आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। पूर्व मंत्री शमशेर सिंह सुरजेवाला का निधन हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता शमशेर सुरजेवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। लंबे वक्त से शमशेर सिंह सुरजेवाला बीमार चल रहे थे। हरियाणा कांग्रेस में दो बार सिंचाई मंत्री भी रहे हैं। आज करीब 3 बजे नरवाना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शमशेर सिंह सुरजेवाला जो लंबे वक्त तक कांग्रेस में राजनीति करते रहे हैं और हरियाणा कांग्रेस में दो बार सिंचाई मंत्री रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला जिनका आज निधन हो गया, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला लंबी बीमारी से पीड़ित थे और इस बीमारी के चलते आज उनका निधन हो गया। दो बार सिंचाई मंत्री रहे, इसके अलावा खासतौर पर किसानों की राजनीति करते रहे हैं। आज करीब 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र पुरी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। वीरेंद्र, इस खबर के बाद, क्योंकि आज सदन में भी इस बात पर चर्चा की जा रही है, शोक प्रस्ताव भी पेश किया गया है, बता जरा 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी सर, जैसा कि दीप सिंह सुरजेवाला का एक बहुत बड़ा कदर और उनके पिता का भी एक बहुत बड़ा कदर आया, तो उनके निधन के बाद पूरे कांग्रेस जगत में एक शोक की लहर है। जैसा कि शमशेर सिंह सुरजेवाला ने अपना करियर एज ए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके एमडी के तौर पे शुरू किया था और उसके बाद वो जो कलायत क्षेत्र है उसके पंचायत सदस्य भी रहे और उसके बाद 5 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे और 2 बार सिंचाई मंत्री थे। तो इस तरह से जो उनका नरवाना में है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और सुबह लगभग 5-6 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। जी जी वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो शमशेर सिंह सुरजेवाला पूर्व मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री रहे, किसानों की राजनीति उन्होंने लंबे वक्त तक की है। आज उनका निधन हो गया, करीब 3 बजे नरवाना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, आज क्योंकि विशेष सत्र के लिए चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि सभी इस मौके पर परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचेंगे। शमशेर सिंह सुरजेवाला हरियाणा कांग्रेस में 2 बार सिंचाई मंत्री रहे हैं और लंबे वक्त तक उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की है। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे जिसके बाद आज उनका निधन हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शमशेर सिंह सुरजेवाला का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। शमशेर सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, खासतौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता शमशेर सुरजेवाला हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा कद रखते थे। और इसके साथ ही आज कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने शोक प्रकट किया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। कैथल क्षेत्र से जिस तरीके से वो राजनीति करते रहे हैं, उस लिहाज से आज तमाम कार्यकर्ताओं ने भी शोक प्रकट किया है। पूर्व मंत्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जिनका आज निधन हो गया, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के पिता शमशेर सुरजेवाला जो 2 बार सिंचाई मंत्री भी रहे हैं, लंबी बीमारी के बाद आज इस दुनिया में नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं, पलवल में सिरफिरे प्रेमी की करतूत सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी से हमला करके प्रेमिका की हत्या की है, अपने पिता पर भी जानलेवा हमला किया है। इसके साथ ही घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कैथल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, कैथल में सिरफिरे प्रेमी की करतूत सामने आई है और अपने पिता पर भी बताया जा रहा है कि इस शख्स ने हमला किया है। कुल्हाड़ी से हमला करके पहले प्रेमिका की हत्या की, उसके बाद अपने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल हालत में फिलहाल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कैथल से मामला सामने आया है, एक सिरफिरे प्रेमी की करतूत और जिसने कुल्हाड़ी से पहले प्रेमिका की हत्या की, उसके बाद आरोप ये कि उसने अपने पिता पर भी हमला किया है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कैथल से ये बड़ी खबर सामने आई है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं फिलहाल, क्योंकि घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर बड़ी खबर आपको बता दें, कैथल माफ कीजिएगा, ये मामला सामने आया जहां पर एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर हमला कर दिया। पलवल से मामला सामने आया जहां पर अपने पिता पर भी शख्स ने हमला किया है।
एक बार फिर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दिनेश कुमार हमारे सहयोगी पलवल से फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिनेश, पूरा मामला क्या कुछ है? देखिए शारदा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नरेश है, सतीश है, जो पलवल के जोधपुर गांव का निवासी है। इसकी जो अपनी वाइफ से अनबन चल रही थी, वाइफ को एक अलावा एक अपनी जो प्रेमिका थी उसके साथ रह रहा था। देर रात 11 बजे के करीब अपने घर में अपनी जो प्रेमिका को ले आया था, जिसका पहले से उसके पिताजी ने विरोध किया, जो सतीश के जो प्रेमी है इसमें। तो फिर ये उसके बाद विरोध होने के बाद ही अपने घर में रहते थे। फिर रात को देर रात इसने झगड़ा किया 11 बजे के बाद, जो सतीश ने अपने प्रेमिका पर पिटाई करने लगा और कहने लगा कि अभी यहाँ से घर से भाग चलते हैं। तो जब उसका पिताजी आया, उसने कहा कोई बात नहीं, इसमें चले जाना। तो पहले उसने पिताजी पर कुल्हाड़ी से हमला किया और फिर एक बार अपने पिताजी पर किया और कई बार अपने प्रेमिका पर कुल्हाड़ी से किए। फिर इसके जो पिताजी हैं उसने वो लड़की को लेके जो पीड़िता थी इसके सिर पर लगे थे और पलवल के जो सदर थाने के रास्ते में उसे घेर का पत्थरों से वार किया गया। तो उसी दौरान जैसे पलवल पहुंचा तो प्रेमिका ने जो इसकी लड़की सतार प्रेमिका तोड़ चुकी थी और फिलहाल इसमें जो घायल है, घायल को उपचार के लिए पलवल के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच शुरू हुई है और घायलों का इलाज किया जा रहा है। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पलवल से संगीन मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स ने पहले अपनी प्रेमिका की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, उसके बाद अपने पिता पर भी जानलेवा हमला किया है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।